Hello and welcome to Dewoo 32 inch smart TV demo and installation. इसमें हम देखने वाले हैं कि इस टीवी को किस तरह से सेटअप करते हैं. जैसे आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, Dewoo का 32 inch टीवी है, स्मार्ट LED टीवी है. तो इसको आप इंस्टॉल कैसे करें, सेटअप कैसे करें, ये आपको इस वीडियो में दिखेगा. तो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं आपको बताने वाला पूरी डिटेल इस बॉक्स के ऊपर जो भी लिखी है. जैसे आप फ्रंट में देख सकते हैं, Dewoo का ब्रांडिंग यहाँ पे है. यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट टीवी. इसके नीचे आपको कुछ बेसिक फंक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. जैसे 720p HD रेजोल्यूशन है, HDMI आता है, USB आता है, थंडर स्पीकर इसमें आपको मिलते हैं. अगर आप राइट साइड में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको MRP स्टिकर मिलता है. इसके ऊपर आपको कस्टमर केयर का एक नंबर मिलता है. अगर इस नंबर पर आप कॉल करते हैं, तो आपका डेमो इंस्टॉलेशन का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं यहाँ से. तो हमारे टेक्नीशियन आपके घर पर आके डेमो और इंस्टॉलेशन टीवी का करके देंगे. तो चलिए इसको बॉक्स को पहले खोल के दिखाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलती है आपको. तो इसे बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए आप सिंगल पर्सन भी इसको आप ओपन कर सकते हैं. आपको सिर्फ एक बेसिक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है इसको सेटअप करने के लिए. तो यहाँ पे बेस स्टैंड पे L लिखा हुआ है, मतलब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं. बॉक्स के अंदर एक्सेसरीज में आपको ये रिमोट मिलता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिमोट, यूज़र मैनुअल और वारंटी डिटेल्स का वारंटी कार्ड होता है. इसके अलावा एक वॉल माउंट का ब्रैकेट भी मिलता है. इसे आप अगर वॉल माउंट करना है टीवी पे, दीवार पे, तो इसका यूज़ कर सकते हैं. रिमोट में आपको दो सेल डालने हैं, AAA साइज बैटरी, जो बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है. तो चलिए फर्स्ट टाइम इसे ऑन कर लेते हैं. ऑन होते ही यहाँ पे Dewoo का ब्रांडिंग आपको दिखाई देगा. वैसे ऑन होता है, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड टीवी दिखता है. एंड्रॉयड मतलब इसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो अभी ये टीवी ऑन हो चुका है. तो ऑन होने के बाद मैं आपको पहले इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ टीवी का, कि किस तरह से ये टीवी का फ्रंट लुक और बैक लुक है. आपको यहाँ पे प्लास्टिक का बेजल्स दिखते हैं, बहुत नेरो बेजल है, छोटी बेजल्स आती है यहाँ पे. तो आपको ये टीवी ऐसे ऑन होते ही पहले ये आपको होम स्क्रीन दिखेगा. ये टीवी का होम स्क्रीन है. किसी भी तरह का सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले होम बटन दबाना होता है, जो रिमोट पे यहाँ पे होम बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. जब आप ये होम बटन दबाते हैं, तो आपको ये होम स्क्रीन आती है. होम स्क्रीन में आपको सभी तरह के जो फंक्शन है इसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे वाईफाई वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है. और इसके अलावा जो इस टीवी में 32 इंच स्मार्ट टीवी में Dewoo में सेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है. सेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारे फीचर्स एडिशनल देखने को मिलते हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं. हम यहाँ पे सबसे पहले आप इनपुट देख सकते हैं. जैसे HDMI 3 है यहाँ पे, एक TV है, एक AV, YVPR और VGA. इस तरह से यहाँ पे तीन इनपुट आपको इनपुट्स मिल जाते हैं. इसके अलावा टीवी गाइड, एयरप्ले, एप्टॉइड टीवी, गूगल प्ले स्टोर और ऐप लिस्ट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं. तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले आपको करना होगा इसमें वाईफाई सेटअप. तो वाईफाई सेटअप करने के लिए आपको जाना है एंड्रॉयड सेटिंग में. एंड्रॉयड सेटिंग में आपको यहाँ पे जाके नेटवर्क सिलेक्ट करना है. नेटवर्क पे पहले होगा वायर नेट, तो उसे राइट क्लिक करके वायरलेस करना है. तो वायरलेस करते ही आपको यहाँ पे आपका वायरलेस कनेक्शन दिखाई देगा. यहाँ पे ओके करते ही आपको यहाँ पे जितने भी इंटरनेट अवेलेबल है वाईफाई, वो आपको दिखाई देंगे. तो इसमें से किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं. तो चलिए फटाफट इसे ऐड कर देते. तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है इस तरह से. तो अभी इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद मैं किसी भी तरह के बाकी जो फीचर्स है स्मार्ट फीचर्स इसमें यूज़ कर सकता हूँ. तो इसमें कौन कौन से प्रीलोडेड एप्लीकेशन आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे आप जाते हैं तो गूगल प्ले स्टोर है और एप्टॉइड टीवी, यहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद ऐप लिस्ट आती है यहाँ पे. तो ऐप लिस्ट में जाने के बाद आपको आपके टीवी में जितने भी ऐप्स आपने डाउनलोड किए हैं, तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे. तो इसमें एयरप्ले, एप्टॉइड टीवी है, आपका ब्राउज़र है,
ई शेयर आपको मिलता है और इसके अलावा टीवी स्टोर भी यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप एप्पल टीवी में जाते हैं तो ये देखिए एप्पल टीवी में आप बहुत सारे अनलिमिटेड ऐप्स है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या हॉटस्टार, जियो टीवी, आप सब कुछ इसमें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं YouTube इंस्टॉल कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे YouTube इंस्टॉल हो गया, तो अब इस तरह से YouTube यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम पेनड्राइव या मीडिया कोई भी आप प्ले करना चाहते हैं USB से तो वो किस तरह से प्ले करते हैं। तो उसके लिए आपको पेनड्राइव यहाँ पे कनेक्ट करना है टीवी के बैक साइड में, और उसके बाद आपको ये रिमोट पे होम बटन दबाना है जैसे मैंने बताया था। होम बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया मिलेगा ऑप्शन, तो मल्टीमीडिया में क्लिक करते ही आपको USB आपका जो पेनड्राइव लगाया वो दिखेगा। अगर आप होम दबाते हैं तो होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन पे इसके अलावा नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो प्रोग्राम्स है, मूवीज़ है, वो यहाँ पे आपको लेटेस्ट एपिसोड कौन से वो यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारे शॉर्टकट्स देखेंगे, जो भी ऐप्स आप डाउनलोड करेंगे, कौन कौन सी लेटेस्ट मूवीज चल रही है, इन सब मूवीज़ को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंस्टॉलेशन और डेमो इस टीवी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।